मदद करता हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के तलुकात नहीं बनाना चाहती व्यूअर्स, क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ पराज ने धोखा किया है और पराज का धोखा इसके सामने ही है। वो सोचेगी कि पराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया, इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ, तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि पराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये फैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुँचाया है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं, क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए, अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जा और दुआ को मेरे पैगाम पहुँचा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं होती, अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि